तुम्हें बेकार बॉटल से प्लांटर पॉट बनाना बताती हूँ। ये देखिए मेरे पास इस तरह के कोल्ड ड्रिंक के बॉटल हैं और सॉस के बॉटल हैं। इससे मैं आपको पिक बनाना बताती हूँ। सबसे पहले इस बॉटल को इस तरह निशान लगाकर कट कर लें। एक इस सॉस के बॉटल में इस तरह निशान लगाएं और फिर इसको कट कर लें। इसको इस तरह निशान पे कट कर लेंगे। इस कटा हुआ प्लास्टिक को फेंके नहीं, इसे भी मुझे यूज़ करना है। जब भी आप भी बनाएं तो इसे फेंके नहीं। इससे पिग का कान हम लोग बनाएंगे। ये निशान पर कट कर कर इस तरह के हो जाएंगे। इस तरह ये प्लास्टिक को फोल्ड कर इस प्रकार जैसे मैं निशान लगाई हूँ उस तरह निशान आप लगा लें। इसे फिर निशान पे कट कर लेंगे जिससे हमारे पास दो कान पिग प्लांटर के लिए निकल आएंगे। इन सब को आप पेंट कर दीजिए इस तरह। अच्छे से कर देंगे क्योंकि प्लास्टिक है तो एक बार में यदि ये अच्छे से ना हो तो इस पे डबल पेंट लगा दें। इस तरह इस बॉटल के बेस में होल कर लें। यहाँ ये कान लगाने के लिए पहले यहाँ पर बॉटल में इस तरह निशान लगा लें, फिर इसे कट कर लें। यहाँ इस तरह कट लग गया जो मैं निशान लगाई थी। उसके बाद इस कान में फेविकोल लगा लें। और इस कटे हुए निशान पर इसमें इसे फिक्स कर दें। ये देखिए ये अच्छे से फिक्स हो गया। तरह आँख को ड्रॉ कर लें। इसे ब्लैक से बना लें अंदर वाला जो गोल ड्रॉ किए हैं से ब्लैक से ब्लैक पेंट से। इस तरह यहाँ होल कर लें और इसे अंदर घुसा लें। घुसाने के बाद ये ढक्कन है इसे यहाँ बंद कर दें। इस तरह ये चारों पैर इसका चारों पैर इसमें फिक्स कर दें। अब ये पिग प्लांटर में प्लांट लगाने के लिए रेडी हो गया है। इसमें मिट्टी डालकर आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। इसमें अब प्लांट लगा दें, आपके पास जो भी प्लांट हो उसे लगा दें। मेरे पास मैरीगोल्ड का प्लांट है इसे मैं लगा दी। इस तरह के बड़े कोल्ड ड्रिंक के बॉटल से भी आप बना सकते हैं और इस तरह के छोटे बॉटल से भी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करें। तब के लिए नमस्कार।